सुप्रभात प्यारे बच्चों, हमने पाठ दूसरा कंप्लीट रीड कर लिया था, शब्दार्थ भी कर लिए थे। आज करेंगे हम अभ्यास। आइए बातचीत करें। कह दिया हुआ हमारा, लेखक का घर कैसा था? ये बच्चों मौखिक प्रश्न है। लेखक का घर कैसा था? लेखक का घर बहुत बड़ा था। मोहल्ले के लड़के क्या करते थे? मोहल्ले के लड़के छतों पर पतंग उड़ाते थे। आकाश में उड़ते पक्षी कैसे लगते थे? आकाश में उड़ते पक्षी बहुत अच्छे लगते थे। आगे है, अब लिखा जाए। सही विकल्प चुनकर टिक लगाइए। कह दिया हुआ है, उन दिनों लोगों को अपने घरों में क्या पालने का शौक था? कुत्ता, गायें, बिल्ली, चिड़िया। तो क्या पालते थे बच्चों? चिड़िया। लेखक रविंद्र को क्या भाता था? पतंगों के साथ उड़ते पक्षी, पिंजरे में चिड़िया। तो क्या भाते थे लेखक रविंद्र को? पतंगों के साथ साथ उड़ते पक्षी। गाय दिया हुआ है, बालक टैगोर कब खुश हुआ था बच्चों? जब उसने पक्षियों को पिंजरे में बंद किया, जब भाभी चिड़िया खरीद कर लाई, जब पक्षियों को आज़ाद कर दिया, जब भाभी बाजार गई। तो लेखक बालक टैगोर कब खुश हुआ था? जब पक्षियों को आज़ाद कर दिया था। आगे टू में दिया हुआ है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी जो हमारे प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर राइट करने हैं। प्रश्न उत्तर राइट करने से पहले बच्चों, आपने अपनी फेयर नोटबुक में रोल लगानी है, ये पीछे वाली लाइन लगानी है, फिर बाद में आप ऊपर डालोगे पाठ संख्या यानी पाठ दूसरा टैगोर की कलम से, फिर आप पाठ का नेम डालोगे। प्रश्न नंबर वन, लेखक का मन किस कारण दुखी हो जाता था? उत्तर क्या होगा बच्चों इसका? पिंजरे में रंग बिरंगी चिड़ियों के चीखने, चिल्लाने और पंख फड़फड़ाने की आवाज़ से लेखक का मन दुखी हो जाता था। क्यों होता था लेखक का मन दुखी? पिंजरों में रंग बिरंगी चिड़ियों के चीखने, चिल्लाने और पंख फड़फड़ाने की आवाज़ से लेखक का मन दुखी हो जाता था। प्रश्न नंबर दो दिया हुआ है, टू, लेखक ने अपनी भाभी से क्या विनती की थी? उत्तर क्या आएगा? लेखक ने अपनी भाभी से पक्षियों को न लाने की विनती की। प्रश्न नंबर थ्री दिया हुआ है, लेखक का मन परिवार के सदस्यों से डांट खाकर भी खुश क्यों था? क्यों खुश था बच्चों परिवार के सदस्यों से डांट खाकर भी? उत्तर क्या आएगा? क्योंकि लेखक पक्षियों को आज़ाद करने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर चुका था। फोर क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, प्रश्न नंबर फोर, लेखक क्या कल्पना करता है? यानी क्या कल्पना, क्या होता है बच्चों? सोचना। लेखक क्या कल्पना करता है? उत्तर, लेखक कल्पना करता है कि काश वह उन पक्षियों को भी आज़ाद कर पाता जो अन्य लोगों के बरामदों में लटके पिंजरों में कैद हैं। यानी जो अन्य लोगों के बरामदे में, जो पिंजरे में लटके हुए जो पक्षी हैं, उनको भी आज़ाद कर पाता। ये बच्चों आपके प्रश्न उत्तर आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करने हैं और लर्न भी। आगे थ्री में दिया हुआ है, किसने कहा? क्या है यानी ये बातें किसने कही थी और किससे कही थी? आप इन पक्षियों पर अत्याचार कर रही हैं, ये बात किसने कही थी बच्चों? लेखक ने भाभी से, यानी टैगोर, बालक टैगोर ने मंजली भाभी से। खै दिया हुआ है, छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी उम्र तो देखो, ये बात किसने की थी बच्चों? कही थी भाभी ने, कही थी। कौन सी भाभी ने? मंजली भाभी ने। और किससे कही थी? टैगोर से, यानी बालक टैगोर से। वहाँ कितनी सुंदर चिड़िया हैं, गाय दिया हुआ है, वहाँ कितनी सुंदर
चिड़िया है। किसने कही थी? भाभी ने। कौन सी भाभी ने? मंजली भाभी ने। परिवार के सदस्यों से। आगे है शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों ये हमारे शब्द दिए हुए हैं, इनको चुनकर हमने हमारे जो खाली स्थान रिक्त स्थान दिए हुए हैं ये भर के अब ये वाक्य पूरे कंप्लीट करने हैं। कह दिया हुआ पिंजरे में डैश पक्षी अच्छे नहीं लगते, तो क्या आएगा बच्चों? पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। कह दिया हुआ है पिंजरे में डैश पक्षी चिल्ला रहे हैं, पिंजरे में बैठे पक्षी चिल्ला रहे हैं। हमारा घर बहुत डैश था, क्या था? हमारा घर बहुत बड़ा था। मुझे विस्तृत आकाश में उड़ते हुए पक्षी अच्छे लगते थे। वे कई दिनों से डैश लाने की बात कर रही थी, क्या लाने की बात कर रही थी बच्चों? मंजली भाभी, पक्षी। वे कई दिनों से पक्षी लाने की बात कर रही थी। आगे दी हुई है भाषा ज्ञान। दी गई वर्ग पहेली से उल्टे अर्थ वाले शब्द छांटकर लिखिए, यानी जैसे आकाश दिया हुआ है, आकाश का क्या आएगा? पाताल। यानी जो हमारी ये वर्ग पहेली दी हुई है इसमें से छांट कर हमने यहाँ पे राइट करने हैं। आकाश का क्या आएगा? पाताल। तो यहाँ पे दिया हुआ है उचित अनुचित, उचित का क्या आएगा? अनुचित। यहाँ पे दिया हुआ है अनुचित, ठीक है। पास दूर, ठीक है ना। कैद आजाद, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा। आगे है बच्चों टू में घर आसमान स्वतंत्रता पक्षी चिड़िया रविंद्रनाथ टैगोर खुशी शब्द किसी का नाम बता रहे हैं। नाम बताने वाले शब्द संज्ञा होते हैं। आपकी कक्षा में जो वस्तुएं हैं उनके नाम लिखिए, यानी जो हमारी कक्षा में वस्तुएं होती हैं उनके नाम राइट करने हैं, जो संज्ञा वस्तुएं होती हैं। जैसे श्यामपट, कुर्सी, पेन, पुस्तक, पंखे, मेज, खिड़की, दरवाजे। आगे है थ्री में दिया हुआ बच्चों हमारा रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदल कर वाक्य पुनः लिखिए। यानी जैसे कि जो हमारे ये है रंगीन शब्द ये है, जैसे लड़के दिया हुआ है यहाँ पे लड़की राइट, यानी लिंग बदल के राइट करके हमारा वाक्य पुनः लिखना है, यानी हमें वाक्य ठीक करना है। मोहल्ले के लड़के वहाँ पतंग उड़ाते थे। लड़के तो क्या आएगा? लड़कियाँ। मोहल्ले के लड़के, यानी लड़का होता तो बच्चों एक वचन होता है, यहाँ पर लड़के यानी बहुवचन। मोहल्ले के लड़के वहाँ पतंग उड़ाते थे, तो क्या आएगा? मोहल्ले की लड़कियाँ वहाँ पतंग उड़ाती थी। भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा। भाभी ने मुझे, यानी स्त्रीलिंग है ना, भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा। इसका क्या आएगा बच्चों? भैया ने मुझे डांटते हुए कहा। भाभी अपनी सखियों के साथ फिल्म देखने गई। इसका क्या आएगा? भाभी की जगह क्या आएगा? भैया। अपने सखियों यानी सखा, पुल्लिंग में क्या चला जाएगा बच्चों? सखा, स्त्रीलिंग में सखियों। भैया अपनी सखा के साथ फिल्म देखने गई। मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का बालक था। जैसे कि पुल्लिंग में क्या आएगा बच्चों? बालक, और स्त्रीलिंग में क्या आएगा? बालिका। मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का बालक था। मैं उन दिनों 8-9 वर्ष की बालिका थी। आगे क्या बच्चों? 4 में नीचे दिए गए एक वचन था बहुवचन शब्दों को छांटकर अलग अलग लिखिए। ये हमारे एक वचन और बहुवचन दोनों इकट्ठे दिए हुए हैं। ये एक वचन हमने यहाँ पे राइट करने हैं, बहुवचन यहाँ पे एक वचन, यहाँ पे बहुवचन। जैसे पतंग, पतंग क्या है बच्चों? एक वचन। तो कहाँ पे आएगा पतंग हमारा? एक वचन के अंदर। छाते बहुवचन, लड़का एक वचन, पतंग हो गया हमारा। चिड़िया बहुवचन चला जाएगा। पिंजरा, पिंजरा क्या बच्चों? एक वचन। बरामदे यानी बहुवचन। फिल्म, फिल्म क्या होती बच्चों? एक वचन। सहेलियाँ बहुवचन।
यानी जो हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पर हमने एक वचन में जो एक वचन है वो यहाँ पे राइट करने हैं, जो बहुवचन है वो यहाँ पे राइट करने हैं। फाइव में दिया हुआ नंबर पाँच में, पाठ में से तीन संज्ञा और तीन विशेषण शब्द ढूंढ कर लिखिए। जैसे संज्ञा शब्द कौन कौन से आए हैं बच्चों, घर, पतंगे, पिंजरे। और विशेषण शब्द कौन से आए हैं, बड़ा, रंग बिरंगी, कई कई। ये था बच्चों हमारा सेकंड चैप्टर जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।